सोल्फाइज हियर एंड आज की वीडियो अपन बात करेंगे हमारे न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स के बारे में। तुम्हें पता है न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स आ चुके हैं एंड उनमें तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो बिकॉज उसमें बंडल बहुत सारे हैं बट तुम्हें किसी एक को चूज करना है और वो भी पूरी शिद्दत से। What? वो मुझे एक रैप की लाइन याद आ गई थी इसलिए मैंने बोला चलो ये सब इग्नोर करो एंड आज की वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है बिकॉज मैं तुम्हें एक बंडल बताने वाला हूँ इन सब में कि तुम्हें कौन सा लेना चाहिए एंड लाइक कौन सा बेस्ट बंडल रहेगा तुम्हारे लिए, कौन सा रेयर रहेगा आगे जाके, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी भी नहीं है तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मुकेश एंट्रो। तो देखो गाइस सबसे पहले तो मुझे कमेंट में एक चीज़ बताना कि कल जो क्यूब फ्रेगमेंट्स मिल लेते हैं 100 क्यूब फ्रेगमेंट मिल लेते कल, तो उनमें से मतलब तुमने कितने कलेक्ट किए एंड किसने कितने कलेक्ट किया वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। एंड मैंने तो 100 कंप्लीट कर लिए थे एंड तुम में से किस किसने 100 कंप्लीट नहीं किया सब कुछ मुझे कमेंट में बता देना। एंड देखो अभी अपन बंडल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैंने कल मैजिक क्यूब एक्सचेंज कर लिया था एंड अभी मेरे पास 4 मैजिक क्यूब है, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई मतलब कि क्या ही ओपी ओपी बंडल्स है एंड उतने ओपी भी नहीं है बट फिर भी चलो ठीक है, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो बंदे कंफ्यूज हो रहे हैं किन बंडल में हो रहे हैं मैं तुम लोग को बता देता हूँ। तो देखो ये वाला जो डायमंड का बंडल था इसमें एंड ये बंडित वाला बंडल, टॉप गेमर वाला बंडल एंड इसी के साथ ये वाला बंडल। अब ये बंडल भी काफी सारे बंदों के पास नहीं है एंड काफी सारे बंदे लेना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो मतलब जो अभी रेयर बंडल है वो कौन सा इनमें से। तो देखो यहाँ पर बंडित वाला बंडल हमेशा रेयर रहता है बिकॉज भाई इसका जो मतलब ऐसा लुक रहता है जब तुम गेम खेलते हो तो ऑटोमेटिक ऐसा मूवमेंट आने लगता है, लाइक अपन को ऑटोमेटिक ऐसा मतलब प्रो वाली फील आने लगती है बिकॉज इसमें से नीला नीला आग निकलता है यार। तो देखो मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हारे पास बंडित वाला बंडल नहीं है तो तुम्हें ये वाला बंडल लेना चाहिए एंड अगर तुम्हारे पास ये है और ये टॉप गेमर एंड इनमें से तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो मैं तुम लोग को बता देता हूं, अगर तुम टॉप गेमर का बंडल लेते हो तो भाई मत लो बिकॉज अब हर बंदा टॉप गेमर का बंडल ले चुका है एंड यहाँ पर तुम लोग को लेना चाहिए वाइट वाला। अब देखो ये वाइट वाला बंडल डायमंड हॉल में आया था एंड इसका पूरा लुक मतलब ये जो वाइट वाला नीचे के कपड़े ये इतने अच्छे नहीं है बट इसके हेयर अच्छे है एंड आगे जाके क्या भी मतलब क्या पता भाई ये रेयर बन जाए। तो देखो अब तुम्हारे पास ये वाला बंडल भी है मतलब टॉप गेमर वाला बंडल एंड वाइट वाला बंडल भी है, अब तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई इनमें से कौन सा लेना चाहिए। तो देखो मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि भाई ये जो बंडित वाला बंडल है मतलब टॉप गेमर वाला बंडल इसे मत लेना बिकॉज अब ये सबके पास हो चुका, तो भाई तुम्हें लास्ट वाला ये बंडल बचा तो भाई तुम ये वाला ले लो एंड इसका लाइक ऐसा चिड़िया जैसा मुंह है मतलब थोड़ा अजीब तो है बट फिर भी देखो काफी सारे बंदों के पास नहीं है तो तुम इसे पहन के खेल सकते हो, ठीक है। एंड देखो फीमेल में बंडल में भी एक मतलब बंडल है वो तुम ले सकते हो, वो काफी अच्छा रेयर बंडल है। तो ये वाला बंडित का जो लाइक दूसरा बंडल है ये फीमेल में ये भाई ये वाला तुम्हें लेना चाहिए, काफी अच्छा बंडल है, काफी कम लोगों के पास है एंड भाई रेयर बंडल भी है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बंडल बेस्ट है, तुम्हें कौन सा लेना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, 2K लाइक है मैं वीडियो पर एंड कमेंट में मुझे बता देना कि तुम में से किस किसने कौन सा बंडल लिया, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।